ये तो नुमान भाई लग रहे हैं, चल के देखूं तो सही जरा। नुमान भी बात सुने। मुकेश आने दो इसको। वालेकुम सलाम। हमदर भाई कैसे है? नुमान साहब मैं तो पिछले दिनों आपको मिला था तो आप तो बिल्कुल कंगाल थे, तो ये जीरो से हीरो तक कैसे हो गया? अभी तो आप लैंडलॉर्ड लग रहे। मैं लैंडलॉर्ड लग नहीं रहा, मैं लैंडलॉर्ड हूँ। किस तरह बने? हमजा, जिंदगी हर किसी को एक मौका देती है, कुछ लोग उसको अवेल कर लेते हैं, कुछ लोग उसको वेस्ट कर देते हैं। और मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। सुनाए स्टोरी, सुनाओ। देखो भाई, मैं दे दूंगा रेंट, मुझे याद है, मैं दे दूंगा यार। मुझे आगे जॉब से निकाल दिया गया, मैं बहुत परेशानी में बैठा हूँ, मुझे तंग ना करो प्लीज। मैं दे दूंगा रेंट, आपके घर जाने से पहले रेंट आ जाएगा। चलो ठीक है, लेकिन ये आखिरी लास्ट वार्निंग है, तो आप प्लीज कर देना। ओके। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सरकार, 4 महीने हो गए ना, इस कमेटी क्यों नहीं दे? दे दूंगा यार, मैं बड़ी परेशानी से बैठा हूं, मैं ना तंग करो, ना तंग परेशान है तो मैं की करा, मेरी कोई दस मैं अगे कमेटियां पा कसमें फस गया, कदों निकलनी है, कदों मेरी जान छुटनी, मैं ते जाब च फस गया। करोना दा हड़ की निकलदा ए यार, जा मेरी गड्डी ले जा, जा ओ खलोती सामने ले जा, जान छड्डो मेरी, मेरे पीछे नहीं हुण तुसी आना, नहीं आंदा, जा यार। 2 hours later। साहब जा यार, काम को करया कर कर के जा, काम को वेला बैठ रही ना, वो बैठ के चले जा। खाने का वेट कर रहे हैं आप, आज सब लोग आपका वेट कर रहे हैं। आ जाऊंगा मैं, आप जाऊंगा। यार गरीब इंसान की भी क्या जिंदगी है, मेरे पास इतना कुछ होते हुए भी मैं कुछ नहीं बना पा रहा। या अल्लाह तू ही मेरी मदद कर किसी तरीके से। ये क्या है? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुक्म है मेरे आका? आप ही हैं वो टाइटेनियम बाबा? जी, आपने टाइटेनियम एजेंसी को हेल्पलाइन पे कॉल की है। यार मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किलात है, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत तंग हूँ, और मैं सिर्फ खुदा से दुआ कर रहा था कि मेरी किसी तरह मदद करें, तो उन्होंने टाइटेनियम एजेंसी को भेजा। आप बताओ मेरी कैसे मदद कर सकते हो? आपकी मुश्किलात क्या हैं, आप चाहते क्या हैं अपनी ज़िंदगी? मेरे पास सिर्फ कुछ लाख रुपए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं उनको ऐसी जगह इन्वेस्ट करूँ जिससे मेरी और मेरे आने वाले बच्चों की ज़िंदगी बदल जाए। मेरे भाई, आप कहीं कमेटियाँ डाल के फंस तो नहीं गए? नहीं नहीं, कमेटियाँ जिसकी तरफ डाली थी वो तो मैं निकल गई। ये तो बड़े अफसोस की बात है, लेकिन इसके अलावा अगर आपने कमेटी की जगह किसी अपार्टमेंट में बुकिंग करवाई होती तो आज आपके पैसे डबल हुए होते, ना कि आप उन्हीं पैसों का इंतज़ार कर रहे होते जो आपने सोचे थे। तो आप मुझे वो जगह पे दिखा सकते हो जहाँ पे मैं कमेटी के पैसे लेके वहाँ से इन्वेस्टमेंट कर सकूँ? अगर तो आपके पास बुकिंग अमाउंट है तो आप अभी भी अमीर बन सकते हो। आज का इन्वेस्ट किया गया पैसा आपको कल का अमीर बना देगा। कितने पैसे उसके लिए कम से कम चाहिए मुझे? कम से कम उसके लिए आपको 6 लाख रुपया चाहिए। आप बुकिंग अमाउंट पे करेंगे और चंद माह में आपको उसका पोजेशन मिल जाएगा, और उससे चंद माह में आपको उसका रेंट आना शुरू हो जाएगा। आपकी प्रॉपर्टी के पैसे भी बढ़ते जाएंगे, और तो और आपकी एक प्रॉपर्टी से दूसरी बनेगी, दूसरी से तीसरी बनेगी। इस तरह से आप एक लैंडलॉर्ड बन जाएंगे जिससे आपकी नस्लें सवर जाएंगी। इस तरह परेशान होने से कुछ नहीं होगा। क्या आपको अभी भी मेरी बात पर यकीन नहीं है? यार सुनने में तो सही लग रही है, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा। तो चलो मेरे साथ, मैं आपको दिखा कर लाता हूँ। ये हम कहाँ पे आ गए, और मेरा हुलिया कैसे चेंज हो गया? ये हुलिया आपका अमीरी की तरफ आपको लेकर जा रहे हैं हम। ये हम आ गए हैं बैरिया टाउन में, तौहीद ब्लॉक में। ये तौहीद ब्लॉक का मेन कमर्शियल है, और हम यहाँ पे मौजूद है मेन बुले वार्ड पे। ठीक है, तौहीद ब्लॉक की मेन बुले वार्ड जो है, इसके साथ ही साथ ये देखें, ये हमारा प्रोजेक्ट है। ठीक है, पर लाइफल इसका नाम है। आप इसकी लोकेशन देखें और इसका फ्रंट एलिवेशन देखें। ये जब बनेगा तो आपको ये डबल आपके पैसे कर देगा, और आपको इतना मुनाफा देगा कि आप आसानी से अमीर हो सकते हैं। यार इस तरह की बिल्डिंग्स तो मैंने यूरोप, यूके, कनाडा, अमेरिका, दुबई में देखी हुई हैं। तो अब आप मेरे भाई देखेंगे लाहौर, पाकिस्तान में।
यार ये तो लोकेशन बहुत अच्छी है जी। भाई वो क्या वो मीनारे पाकिस्तान नजर आ रहा है मुझे यहाँ से? वो मीनारे पाकिस्तान नहीं है, वो बहरिया टाउन की खूबसूरती का एक अजूबा है जिसको आईफल टावर कहते हैं। आईफल टावर तो पेरिस में है। पेरिस में भी है लेकिन बहरिया टाउन लाहौर में भी है। इस खूबसूरती के बिल्कुल सामने होगा आपका अपार्टमेंट। ओके, अगर आप आज बुक करवाएंगे तो कल को आपको मुनाफा देगा। यार अब मुझसे और सब्र नहीं होता, मैं तो बच्चों से, बिजली के बिलों से, कमेटियों से, हर चीज़ से तंग आ चुका हूँ। मुझे बताओ इसकी बुकिंग कैसे करवाऊँ मैं? बुकिंग प्रोसीजर इसका बहुत इजी है, आप इसको ऑनलाइन भी बुक करवा सकते हैं और मेरे साथ ऑफिस चल के फिजिकल भी इसको बुक करवा सकते हैं। आपके पास जितनी अमाउंट पड़ी है हम बैठ के डिस्कस कर लेंगे और इसका क्या पेमेंट प्लान है वो मैं आपको शो कर। लेकिन जब भी आपको मिलना होगा तो क्या मुझे हर दफ़ा ये चढ़ा रखना पड़ेगा? ज़रूरी नहीं है, आप अपना फ़ोन निकालें, मुझे कॉल करें और मैं हाज़िर हो जाऊँगा। हमजा भाई ये तो थी मेरी स्टोरी। आपको पता मैं कितने दुखों में गिरा था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा सुकून में हूँ। सही माशाल्लाह, वो तो नज़र भी आ रहा है काफ़ी लैंडलॉर्ड हो गए हैं आप तो। ये किस तरह आपने स्टार्ट कैसे लिया, ट्रस्ट कैसे कर? यार मुझे भी स्टार्टिंग में ना इन पे ट्रस्ट नहीं आ रहा था, फिर मैंने इनका फिजिकल विजिट किया। अल्हम्दुलिल्लाह 70% इनके इन्वेस्टर्स ओवरसीज हैं और वो किसी भी टाइम इनके सर्विसेज चेक कर सकते हैं और मैं भी इनके F&M सर्विसेज में इन्वॉल्व। वालेकुम अस्सलाम टाइटेनियम। सर कैसे हैं? टाइटेनियम आप जिन बाबा, मैं तो आपको ऊपर इंतजार कर रहा हूँ, आप कब से नीचे आए हुए हैं? वो मुझे एक बचपन का दोस्त मिल गया था, उसको भी मैं फिर अपने समझाने लग गया। ज़रूर आप इन्हें भी मशवरा दें और इन्हें आप FNF सर्विस में शामिल करें। जी मैंने इन्हें बताया FNF के बारे में, तो इंशाल्लाह चलते हो आप बैठते हैं उनसे इंशाल्लाह ओवर चलते हैं। नया प्रोजेक्ट आया है आपको आज इसीलिए बुलाया, आप आए मेरे साथ डिस्कस करते हैं। चले मेरी शाम की फ्लाइट है UK की, तो उससे पहले पहले वाइंड अप करते हैं इसको। हाँ एक और बात, अगर आप भी अपनी सक्सेस स्टोरी इसी तरह अपने दोस्तों को फ्यूचर में सुनाना चाहते हैं तो भी अपने पैसे के साथ सरमायाकारी करें और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें और टाइटेनियम एजेंसी के साथ अपना फ्यूचर सिक्योर करें। हमारे दिए गए नंबर्स पर रابطہ करें, हमारे ओवरसीज क्लाइंट्स हमारे साथ IMO और WhatsApp पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।